20 वर्षों तक अपराध का वर्चस्व रहा है, लगभग अपराधी से उबर गए हैं और जो अपराधी थे भी तो वो समाज से जुड़ने के लिए आगे आ गए हैं। बरहिया जैसे कई आबादी को बसा रहे हैं, अमेरिका में बसा रहे हैं। बिहार नेता जो हैं ये सब सिर्फ कोटा के रह गए हैं, इसलिए इनमें ताकत नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। देखिए इस वक्त हम बढ़िया में हैं और हमारे साथ जुड़े हैं युवा हैं, सामाजिक हैं और लगातार सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे हैं संजीव कुमार जी। संजीव कुमार जी, बढ़िया में कहा जाता है कि जो युवा हैं वो बहुत कम रहे हैं, क्या कारण रहा कि बढ़िया में अधिकांश जो युवा हैं वो पलायन कर रहे हैं? पलायन व्यवसाय और जॉब जो है, यहाँ शुरू से ही यहाँ के लोग शिक्षित रहे हैं, बीच में 20 वर्षों तक अपराध का वर्चस्व रहा, इसलिए जॉब के माध्यम से सब बाहर चले गए हैं। अच्छा, जो आपने कहा कि बीच में थोड़ा आपराधिक जो घटना है वो रही, अभी फिलहाल अपराधियों से और आपराधिक घटनाओं से बढ़िया उभरा है या पहले की तरह? लगभग अपराधी से उबर गए हैं और जो अपराधी थे भी तो वो समाज से जुड़ने के लिए आगे आ गए हैं और समाज में जुड़ रहे हैं अब। मैंने तो सुना है कि कुछ खौफ में भी लोग जो है वो बढ़िया छोड़कर बाहर गए थे। हाँ, गए थे, और कहने का मतलब जो संस्कार था गांव का वो तो निकल चुका है गांव से। अच्छा। बढ़िया से निकल चुका है, इसलिए हमारा गांव विकास नहीं किया, वरना हमारे गांव में एक से एक पुत्र धन है। जैसे बढ़िया के मारवाड़ी समाज में हरि कनोडिया पूरे भारत के मारवाड़ी समाज के अध्यक्ष हैं कृष्णपाल सिंह, उनका तो आंकना मुश्किल है, क्योंकि बढ़िया जैसे कई आबादी को बसा रहे हैं, अमेरिका में बसा रहे हैं, और 300 करोड़ का हॉस्पिटल बढ़िया में दिए हैं, और भारत सरकार को कहे कि हमारी जन्मभूमि है, यहाँ अगर हॉस्पिटल हो जाएगी तो हम 100 हॉस्पिटल ऐसा और भारत में देंगे। इतनी बड़े हस्ती हैं वो, 300 करोड़ रुपये बढ़िया के लिए। हाँ, अच्छा, और बोले हैं कि से बढ़िया हमारा जन्मभूमि है, यहाँ हॉस्पिटल बन जाए उसके बाद हम ऐसा ऐसा 100 हॉस्पिटल और देंगे पूरे भारत में, उस फेम के आदमी हैं। अच्छा, बढ़िया क्यों पिछड़ता चला गया? ललन सिंह है, कई समाज के नेता हैं, आखिर बढ़िया क्यों पीछे छूटता चला गया अन्य गाँव के? देखिए, राजनीतिक विगत 30 वर्षों से राजनीतिक में ऐसा मोड़ आया, सब विशेषकर समाजवाद जब से आया ऐसा मोड़ आया कि बढ़िया क्या भूमिहार नेता जो हैं ये सब सिर्फ कोटा के रह गए हैं, इसलिए इनमें ताकत नहीं है कि अपने जाति के नाम पर जीत सकते हैं, इसलिए कुछ बोल ताकत नहीं रहा। अच्छा। है बाहुबली है, अनंत सिंह है, जो बोलते हैं ठीक है उसी का अंजाम चल गए, लेकिन बाकी सब नेता में मुंह देख के चलते हैं, इसलिए कोई अपना निर्णय नहीं ले सकते। अच्छा। अपना निर्णय नहीं ले सकते हैं, परिणाम है कि यही नहीं कोई भी भूमिहार का क्षेत्र है कहीं कोई विकास दिख नहीं सकता। नाम तो बड़े बड़े हैं, सूरजभान सिंह हैं, ललन सिंह हैं, अनंत सिंह जिसका जिक्र आपने किया, कई बड़े चेहरे हैं, क्या उन तमाम नेताओं में वो शक्ति नहीं रही? नहीं, कोई किसी में शक्ति नहीं है, सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा चमकती है, वैसे ही सब चमक रहे हैं, वरना सूरजभान सिंह तो जब तक रामविलास जी चमक रहे थे वो चमकेंगे, अनंत सिंह जब तक नीतीश बाबू के साथ थे तब तक चमके, और जरा सा भी इधर उधर होइएगा तो चमकना बंद हो जाएगा। भूमिहारों का नेता किसे मान रहे हैं, कोई या नहीं है? अरे सीधी सी बात है, बिहार में भूमिहारों का नेता क्या, जाति के नाम पर सिर्फ नेता बच गए हैं, यहाँ अब कोई भूमिहार का नेता नहीं बचा है, और अभी आगे दिख भी नहीं रहा कि भूमिहार के को सेव करने के लिए, ये एक तरह से अल्पसंख्यक है और पलायन कर चुके हैं, पूरे बिहार से पलायन कर चुके हैं, इस समझ में नहीं आ रहा है, जो लाचार हैं वही सिर्फ बिहार में। तो आपने सुना फिलहाल भूमिहारों का नेता कोई नहीं है, भूमिहार कमज़ोर पड़ता दिखाई दे रहा है, साफ साफ लब्जों में कहते दिखाई दे रहे हैं संजीव कुमार जी। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।